इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा की महिमा से रहित हैं। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्यों हूं और मैं कब तक हूं, ये सवाल बचपन से लेकर 36 साल तक मैंने अपने आप से और अपने परिवार वालों से बार बार पूछा, पर जवाब में केवल और केवल एक प्रश्न चिन्ह उनके और अपने चेहरों पर पाया। इस समय पर मैं जानती हूँ प्रभु मेरी ओर देख रहा था। वो जानता था कि इस औरत को खोज है और वो मुझे सत्संग लाया। इस सत्संग में मैंने यीशु पाया, मैंने मार्ग पाया, मैंने सत्य पाया, मैंने जीवन पाया। जहाँ जानते हैं मसीह यीशु ने मुझसे क्या कहा, उठ जा, बहुत सो ली तू, देख तेरे पे मेरा नूर चमकता है, जा और दुनिया को बता कि बोझ से थके लोगों मसीह यीशु के पास आ जाओ, आगे बढ़ो और वो लक्ष्य जो तुम्हारा मैंने तुम्हारे लिए चुना है उसको जाओ और पूरा करो। यीशु मसीह की जय। खोया था मैं मिला हूँ, अंधा था देखता हूँ, पापी था, जी हाँ मैं पापी था, मैं बच गया हूँ और ना जाने कितने मेरे जैसे पापियों को यीशु मसीह ने बचा लिया है। वचन हमारा आधार है, पवित्र आत्मा सामर्थ है और यीशु मसीह उद्धार करता है। मुझे उद्धार मिला है, आपको उद्धार मिला है, लेकिन क्या इस उद्धार को लेकर हम बैठ जाएं? पौलुस ने कहा नहीं, हम बैठेंगे नहीं। पौलुस ने कहा कि मैं हर व्यक्ति के लिए सब चीज बन जाऊं ताकि किसी ना किसी रीति से कई एक को मैं बचा लूं। सत्संग का दर्शन आज से 5 साल पहले प्रभु ने हमें दिया था। सत्संग यानी सत्य का संग, सत्संग यानी परमेश्वर का उद्धार का वो मैसेज जो सारी दुनिया के लिए है। सत्संग हम लेकर आए हैं हर व्यक्ति के लिए, क्योंकि 12 टोकरे जो बचे थे वो इज़राइल के लिए थे और 60 टोकरे जो बचे थे वो खोई हुई भेड़ों के लिए थे। सत्संग चुने हुए लोगों के लिए है, सत्संग खोए हुए लोगों के लिए है, सत्संग उन सब के लिए है जो कहते हैं हमें अंधकार से रोशनी में जाना है, जो कहते हैं हमें असत्य से सत्य में जाना है, जो कहते हैं हमें मृत्यु से अमृत में जाना है। आज सत्संग को 5 साल हो गए हैं, मगर सच्चाई ये है कि हमने केवल आज्ञा का पालन किया है, सामर्थ प्रभु ने दिया है और मुझे विश्वास है कि जो भी इस दर्शन प्रभु की ओर से होता है उसका सामर्थ वो देता है और उसकी हर जरूरत वो पूरी करता है। मित्रों, आपने सत्संग के साथ जुड़कर हमें ये कहा है और आज बताया है कि आप प्रभु के दर्शन में हमारे साथ हैं और आज सत्संग के पूरे परिवार से मैं आपको मिलाना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें विभिन्न जातियों, विभिन्न प्रांतों और भाषाओं से चुना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें जोड़ता है और उसका खून हमारे अंदर दौड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने घर जाओ और सबको बताओ कि परमेश्वर ने तुम्हारे साथ कितना बड़ा काम किया है। और आज प्रभु से ये दर्शन पाकर हम ये बताने निकले हैं कि प्रभु यीशु मसीह कितना महान और कितना सामर्थी है। यीशु मसीह मेरा मसीहा है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। यीशु मसीह प्रेम है। यीशु मसीह पवित्रता है। यीशु मसीह आनंद है। यीशु मसीह बचाने वाला है। यीशु मसीह मेरी शांति है। यीशु मसीह
मेरा विश्वास है। यीशु मसीह माफी है। यीशु मसीह दयालु है। यीशु मसीह सर्वज्ञाता है। यीशु मसीह मेरी शक्ति है। जीसस इज माय बेस्ट फ्रेंड। यीशु मसीह रोशनी है। यीशु मसीह हमारी ढाल है। यीशु मसीह मेरा गढ़ है। यीशु मसीह मेरी सुरक्षा है। यीशु मसीह मदद है। यीशु मसीह मेरी चट्टान है। यीशु मसीह आजादी है। यीशु मसीह धीरज है। यीशु मसीह प्रार्थना है। यीशु मसीह मेरा सब कुछ है। यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। हमें यीशु मसीह के लिए चमकना है। तुम दुनिया के नूर हो, चराग बन के चमको। मुझे चमकना है, आपको चमकना है, और ये हम सिर्फ यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा कर सकते हैं। सत्संग के परिवार की ओर से हम आप सबको प्रोत्साहित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आओ ऐसे काम करें हम दुनिया में कि हमारे कामों से सब लोग हमारे अंदर हमारे मसीह का को देखें। जी हाँ, यही तो हमको करना है। अपना क्रूस उठा के चलना है, यीशु संग चलना है, नामुमकिन करना है। यीशु मसीह की जय।